चेन्नई सुपर किंग और लखनऊ के बीच कल आईपीएल का पहला मैच खेला गया दोस्तों, जहां ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ऐसा छक्का मारा कि इनामी गाड़ी की तो धज्जियां ही उड़ गई। गेंद जाकर लग गई कार से, जिससे कार का हो गया सत्यानाश, जिससे ऋतुराज पर बीसीसीआई ने लगा दिया है जुर्माना। वीडियो में सारी जानकारी देंगे आपको, लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलना। चेन्नई सुपर किंग ने लखनऊ की टीम पर पहली जीत हासिल की। सीएसके ने लखनऊ को 12 रनों से हरा दिया। सीएसके के ऋतुराज गायकवाड़ ने लगातार दूसरे मैच में अर्धशतक लगाया। मैच में एक खास वजह से ऋतुराज जो है चर्चा में आ गए। हुआ यूं कि ऋतुराज गायकवाड़ ने मैच के दौरान एक ऐसा छक्का मारा जिससे आईपीएल के स्पॉन्सर टाटा इंडिगो पर गेंद जाकर लग गई, जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया और गाड़ी पर स्क्रैच भी आ गया। गेंद लगते ही कार एक जगह पिचक गई। गायकवाड़ ने पांचवें ओवर की चौथी गेंद पर यह शॉट खेला था। उनका यह शॉट 88 मीटर दूर जाकर गिरा, लेकिन अब गायकवाड़ को 5 लाख रुपए टाटा कंपनी को देना पड़ेगा। ये बीसीसीआई ने उन पर जुर्माना लगा दिया है। वैसे आप लोग बताइए, आज कौन सी टीम मैच में जीत सकती है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।